दसवां अध्याय शुंभ बद्ध ध्यान। मैं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीनों उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा अपनी सेना का संगार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छीनकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, पवित्र वायु चलने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सारणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में शुंभबद्ध नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति से उनके मुख कमल तमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। समस्त जगत की माता, प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंगनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियाँ हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति और क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब उसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली और विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली महान विषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाणों पर पृथ्वी को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंगी रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण और विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाणों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा
महारात्रि और महाअविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बरा, भूति, भ्रामरी, तामसी, नियता और ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण माता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटोरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे, तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रविचिति नामक दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोग में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाक द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे।
ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्त नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भंवरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों तरफ मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।